અને ગુજરાતની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। હાલમાં સમગ્ર ભારત દેશમાં કિસાન આંદોલનનો મુદ્દો છવાયેલો છે। હરિયાણા અને પંજાબના ખેડૂતો કેન્દ્ર સરકારના કૃષિ કાયદાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। ખેડૂતોએ દિલ્હીનો ચોતરફી ઘેરાવ કરી લીધો છે। જો કે ગુજરાતમાં વિરોધની કોઈ અસર જોવા મળી નથી, ત્યારે ગુજરાતમાં સરહદી કચ્છ જિલ્લાના અબડાસા તાલુકાના કોઠારા, વાંકુ, બીટા સહિતના ગામોમાં ખેતી કરતા શીખ સમુદાયના ખેડૂતોએ અન્નદાતાઓના આંદોલનને ટેકો આપ્યો છે। મેરા સરકાર સે યહી નિવેદન હૈ, જો સરકાર અપને તીન ઓર્ડિનન્સ લેકે આઈ હૈ, ये किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। और जो हमारे पंजाब भाई और सभी स्टेटों किसान दिल्ली में बैठे उन काम पूरा सहयोग करते हैं। हमारे गुजरात में भी मंडीकरण तो बुरा नहीवत प्रमाणी है, बिल्कुल ख़त्म ही है मंडीकरण। इधर फसल को खरीदना प्राइवेट खरीदते हैं और पैसा लेके भाग जाते हैं, हमारे को कुछ नहीं मिलता, ना ही उनकी कोई गारंटी होती है। जो मोदी सरकार बड़े बड़े वायदे करती तो है, लेकिन आप गुजरात मॉडल बोलते, गुजरात में भी ऐसा कुछ है नहीं। हमारे किसानों की हालत बहुत ख़राब है इधर। जो आज गवर्नमेंट ये कर रही है तो बिल्कुल सरासर गलत कर रही है, और इसका जो असर है पूरे भारत में है। कल्ला हरियाणा पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये सारे भारत की और सारी मानवता की है। ये कल्ले किसान की नहीं है, ये सब उसके लिए है जो अनाज खाता है, सबके लिए। ये सारी सबकी लड़ाई है। मोदी साहब को 6 साल हो गए मन की बात करते को। अब मोदी साहब को बेनती करते हैं हम हाथ जोड़ के, भी मन की बात छोड़ो, अब काम की बात करो। जो काम की बात है, जो कारपोरेट के लिए जो कर रहे ना, रेलवे बिक्री हो गया, सारा सिस्टम बिक्री हो गया, अब ये मत करो भी किसान को भी और रोड पे लेके आए। अब ये गरीब का गरीब जो छोटे किसान है, छोटे किसानों का ये सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान होगा इसमें, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं खुली मंडी में छोटा जो किसान है जिसके पास 100 मन या 20 मन अनाज है, वो पंजाब से गुजरात में कैसे जाएगा जी बिक्री करने? नहीं आ सकता। उसके उससे ज़्यादा उसकी फसल का जो दाम, उससे ज़्यादा उसका किराया बन जाएगा, भाड़ा बन जाएगा, वो नहीं ऐसा कर सकता। आज जो खुली मंडी के नाम पे जो कर रहे हैं ना, बिचौलिया निकालेंगे, वे करेंगे, ये बड़े बिचौलियों को डाल रहे हैं भी, मतलब अपना कम रेट में खरीद के आगे स्टोर करके उसमें अपने महंगे, उसको महंगे भाव में बिक्री। ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે કેન્દ્રની સરકાર નવા કાયદાના નામે અદાણી અને અંબાણીને ફાયદો કરાવવા જઈ રહી છે, જેનો અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ, માટે કાયદો રદ કરવામાં આવે। કચ્છમાં પણ ભાજપની સરકારે નર્મદાના નીર આપવાના વાયદા કર્યા, પણ ખેડૂતોના હિતમાં કોઈ કામ નથી કર્યું। મોદી સરકારે 6 વર્ષ મન કી બાત કરી, હવે કામની વાત કરીએ તો સારું। ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો કરાવવા મોદી કૃષિ કાયદામાં ફેરફાર લાવે છે, તેનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ, તેમ ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું। કચ્છમાં પાકિસ્તાન તરફથી આવેલા શીખ સમુદાયના ખેડૂતો અબડાસા પ્રાંતમાં રહી ખેતી કરે છે, જો કે ગુજરાત સરકારે આ ખેડૂતો સામે સુપ્રીમમાં કેસ દાખલ કર્યો છે, જે મામલો પણ ઉગ્ર બન્યો છે। ગુજરાતની રૂપાણી સરકાર સામે પણ ખેડૂતોએ આક્ષેપો કર્યા છે। સરકાર પાસે જમીન નહીં, હમ અપના ગાંવ બના સકે। અડાણી અંબાણી કે લિયે લાખો કરોડો એકડ યહાં પે ફ્રી પડી હૈ। સબસે બડા વિન્ડ ફાર્મ અડાણી ને કચ્છ કે અંદર ગાડા હૈ। સબસે બડા વિન્ડ ફાર્મ કચ્છ કે અંદર અડાણી ગાડ કે બેઠા હૈ, ઓર યહાં કી યહાં પે ઇલેક્ટ્રિસિટી સબસે જ્યાદા મહેંગી મિલ રહી હૈ, જબકિ યહાં પે સબસે જ્યાદા પેદા હો રહી હૈ। यहाँ से एक्सपोर्ट होकर दूसरे राज्यों को सस्ती बिजली दी जा रही है। हमारे यहाँ 50-50 हॉर्स पावर की मोटरें चल चल के हमारे पास तिगने चौगने हम बिल पे कर रहे हैं। 3 साल से फसल तबाह होती, घाटे की खेती करते हुए किसान फिर भी बिल पे कर रहे हैं। कोई गुजरात सरकार में सुनवाई नहीं है। मुआवजे के नाम पर मूँगफली के दाने दिए जाते, आज हमारे खिलाफ गुजरात सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है कि ये बाहर से आ गए, यहाँ पे नजायज़ कब्जे कर लिए, ये ऐसे हो गया, फलाना हो गया। कल वो सभी ऑल ओवर इंडिया के किसानों को बोल देंगे, ये तो वहाँ से आए थे, ये अफगानिस्तान से आए थे, ये वहाँ से आए थे, इन्होंने आके कब्जा कर लिया, ये धरती इनकी नहीं थी, ये तो इनके अडानी अंबानियों के बाप की थी। उनको दान दिया जाएगा। जो हमारे साथ हुआ वो ऑल ओवर इंडिया के किसानों के साथ होने जा रहा है और होगा भी। बात करते हैं कि गुजरात सरकार सिंचाई योजना की, गुजरात सरकार के पास 3,000 करोड़ की मूर्ति बनाने के लिए पैसा है, नर्मदा के नाम पे किसी किसान को एक बोतल पानी की नहीं मिली, जबकि कच्छ के लिए नर्मदा प्रोजेक्ट बनाया गया था। सबसे ज़्यादा पानी कच्छ के गुजरात के डैम के पास कच्छ के तालाब में लाखों क्यूबिक मीटर पानी बर्बाद होता है हर साल, ओवरफ्लो में पानी जा रहा है, लेकिन किसी एक नाली का संचालन ना करते हुए, ना ही डैमों का संचालन करते हुए किसी को एक बोतल पानी के पीने के लिए भी नहीं मिल रही। नर्मदा के नाम पर
एक बड़ी बड़ी मुहिम चलाई गई, ये कर देंगे वो कर देंगे, हरी क्रांति आएगी वो क्रांति आएगी, आज तक किसी के खेत में पानी नहीं आया और ना ही आएगा। हमारा अंदर का ना फोल के देख, अगर हम अंदर से हम उठ गए तो तेरे को बैठाना मुश्किल हो जाएगा मोदी साहब। ये मंडी हर हालत में तेरे को चालू करनी पड़ेगी, बिल तेरे को तीनों के तीनों वापस लेने ही पड़ेंगे हर हालत में, नहीं तो फिर ऐसे कर चाय की किटली तैयार कर और ₹5 कप बेचना चालू कर दे बस। और तेरे को क्या बोलूं, तू मन की बात करता है, तू मन की नहीं करता बात, और ना तू मन की सुनता है किसी की, तू करता है अपने मन की, अभी तेरे मन की नहीं चलेगी। ये बता मेरे को कि राजा तू है कि राजे हम हैं, और राजे तो हमने हम हैं राजे तो क्यों, जो उंगली तेरे ऊपर उठने वाली थी वो उंगली पे पहले तू निशान कर देता है कि उंगली मेरे ऊपर ना उठे, और रह जाती है बात सैन की अंगूठे की, अंगूठा भी लगवा लेता है कि मैं पूरा अंगूठा भी लगा दो पूरा राजबाग मेरे को सौंप दो, अभी राजबाग भी तेरे को सौंप दिया, अभी तेरे से संभालिया नहीं जाता।